नमस्कार समस्त को आम यूट्यूब चैनल देवा नॉलेज पॉइंट में स्वागत करुच्चे। आज भिडे मुझे आपण मान सहित आलोचना करने भगवती चरण पाणिग्राही केते गुड़े संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आशा करुच्चे। जो मैंने सीपैट यूसी नेट SSB प्रिपेरेसन करेंगे तेज़ भिडियो उपयोगी हे। भिडटी को आरंभ करने पूर्व कही रखी चैनल जो मैंने प्रथम थे अच्छा चल चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे बेल आइकन टी बजे दिंतु जहाँफल मुझे जहाँ भी भिडियो नहीं आसवि आपर नोटिफिकेशन शीघ्र पाई तेज चल देखने कौन रही है आज प्रश्न। प्रथम प्रश्न भगवती चरण पाणिग्राही प्रथम गल्प कौन जहाँ चार्टे अप्सन दे शिकार ख झड़ घ जंगली घ जीवन समाधि तेज आ ठीक तो कौन हम ऑप्शन ग जंगली हूँ भगवती चरण पाणिग्राही प्रथम गल्प। परवर्ती प्रश्न को जीवा क्यों गल्परे तत्कालीन समाज रे पाला और जातार प्रभाव देखा मिले चार्टी ऑप्शन देछि क वंचिता ख समयरिता ग मिश्रक कूप घ मजलिस तेब यार ठीक उत्तर कौन हम ऑप्शन ग मिश्रक कूप गल्पर तत्कालीन समाज रे पाला जातार प्रभाव देखा मिले। परवर्ती प्रश्न क्यों गल्परे बाल्य विधवार करुण कहानी वर्णित होइछि चार्टी ऑप्शन देछि क समयातीत ख वंचिता ग झड़ घ मीमांसा तेब ठीक उत्तर कौन हम ऑप्शन ख वंचिता गल्प। परवर्ती प्रश्न घिनुआ के गल्पर चरित्र चार्टी ऑप्शन देछि क शिकार ख जंगली ग समयातीत घ मजलिस तेब ठीक उत्तर कौन हम ऑप्शन क शिकार गल्पर मुख्य चरित्र तो घिनुआ। परवर्ती प्रश्न जीवन समाधि क्यों पत्रिकारे प्रकाशित होता चार्टे ऑप्शन देछि क आधुनिक ख नवभारत ग सहकार हम यहाँ सहकार घ मुकुर तेब ठीक उत्तर कौन हम ऑप्शन ग सहकार पत्रिका ओके यहाँ सहकार सहकार हम। परवर्ती प्रश्न मिश्रा कोप क्यों पत्रिकारे प्रकाशित होता चार्टे ऑप्शन देछि क नवभारत ख आधुनिक घ न्याखुंटा घ सहकार तेब ठीक उत्तर कौन हम ऑप्शन घ सहकार पत्रिकारे भगवती चरण पाणिग्राही मिश्रा कोप गल्पटी प्रकाश पाई। परवर्ती प्रश्न क्यों गल्परे शोषक और शोषित संपर्क शिक्षित युवक मान युवक मानसिक ग्लानिकता कह जा चार्टी ऑप्शन देछि क मीमांसा ख जीवन समाधि ग शिकार घ मृत्युर विवेचना तेब ठीक उत्तर कौन हम ऑप्शन घ मृत्युर विवेचना ओके। परवर्ती प्रश्न को जीवा शिकार और हाथुड़ी ओदा ए दुईटी गल्प क्यों पत्रिकारे प्रकाशित होता चार्टे ऑप्शन देछि क सहकार ख नवभारत घ आधुनिक घ प्रजातंत्र तेब ठीक कौन हम आधुनिक ग ग ऑप्शन ठीक अच्छे ग आधुनिक पत्रिकारे दुईटी गल्प प्रकाश पाई। परवर्ती प्रश्न खजना दे
ଦେଇ ନ ପାରିବୁ ତ ତୋ ଭାରିଯାକୁ ଦେ, ଏଇଟା ଭରିଯାକୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭାରିଯାକୁ ହେବ ଦେ। ଏ ଗଳ୍ପରେ ଏହା କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। କ ହାତୁଡ଼ି ଓ ଦା, ଖ ଶିକାର, ଗ ସମୟାତୀତ, ଘ ଝଡ଼। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ ହାତୁଡ଼ି ଓ ଦା ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଝିଟିପିଟିକୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। କ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ଖ ମୀମାଂସା, ଗ ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା, ଘ ଜୀବନର ସମାଧି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଗ ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା ଗଳ୍ପରେ ଝିଟିପିଟିକୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଥିଲା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଙ୍ଗିଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଗୋଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବି। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ସୁଦାମ ଜେନା? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ସୁଦାମ ଜେନା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜଣାଇ କହିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।